नमस्कार। कभी कभी जो सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं उनमें तेजी से रिएक्शन करना कभी कभी भारी पड़ जाता है। वही हुआ बॉयज लॉकर रूम, इंस्टाग्राम का जो सीक्रेट चैट रूम था उसमें जो बातचीत हो रही थी उसकी स्क्रीनशॉट वायरल हुए और ऐसे में उसमें गैंगरेप की बातें हो रही थी, उसमें लड़कियों के बारे में अश्लील बातें हो रही थी, उनको लेकर तमाम सारे लोग एक्शन में आए। कई सारी फिल्म एक्ट्रेसेस ने उस पर प्रतिक्रिया दी, कड़ी प्रतिक्रिया दी। शाहिद कपूर की बीबी मीरा ने दी और स्वाति मालीवाल ने दी, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। उन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली पुलिस हरकत में आई, साइबर सेल काम पर लग गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिवील हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसके लिए लड़के नहीं, एक लड़की जिम्मेदार थी। वो लड़की कैसे जिम्मेदार थी, वो उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में लिखा है साइबर सेल के डीसीपी ने कि इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है कि एक लड़की ने अपने दोस्त को टेस्ट करने के लिए, उसका मोरलिटी टेस्ट ले रही थी, उस ग्रुप में शामिल हुई सिद्धार्थ नाम के लड़के की आईडी के साथ, अपना नाम उसने सिद्धार्थ रखा, उस फेक आईडी से उस लड़के से चैट करने लगी। ओपन ग्रुप था, बाकी लोग भी देख रहे थे और उसने बाकायदा अपने बारे में लिखा कि क्या इस लड़की के साथ रेप किया जाए, इस तरह की बातें लिखी, तमाम अश्लील बातें उसने अपने ही बारे में लिखी। वो देखना चाहती थी लड़के का रिएक्शन क्या है। ऐसे में क्योंकि वो ग्रुप था, बाकी लोग भी देख रहे थे, लड़की ने ये बात नहीं मानी, यानी वो मोरलिटी टेस्ट में पास हुआ और बाद में वो बात उसने अपनी उसी दोस्त जो सिद्धार्थ बनी हुई थी उसको जाकर बताई कि तुम्हारे बारे में ग्रुप में ये बातें हो रही थी। लड़का तो लड़की की नजर में पास हो गया लेकिन जो चैट थी वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ गई, वहां से किसी ने ट्विटर पर शेयर कर दी और जब तक वो लोग संभलते तब तक बवाल हो गया, चारों तरफ फैल गई वो बात। लोग ट्विटर पर गाली देने लगे बॉयज लॉकर रूम को, कई लोग गर्ल्स लॉकर रूम की बात करने लगे। दोनों पार्टियां एक तरह से आपस में भिड़ रही थी। तब साइबर सेल ने इसका पता लगाया, तब जाकर खुलासा हुआ, तब लड़की ने कबूला कि वो अपने दोस्त का टेस्ट कर रही थी, मोरलिटी टेस्ट कर रही थी। अब ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है लेकिन पुलिस खाली एक गवाही से इस केस को लगता जाने नहीं देगी। 24 जो अन्य सदस्य थे, एक लड़का गिरफ्तार किया गया जो एडमिन था नोएडा से, उससे पूछताछ हुई और उसके बाद जो 24 और लड़के थे, तमाम सारे नाबालिग थे, उन सबके मोबाइल या लैपटॉप फोन जिनसे वो एक्सेस कर रहे थे इस ग्रुप में, उनको जब्त करके फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया, उनकी जांच होगी। इसके अलावा एक शेयर चैट ग्रुप का नाम आया है जिसकी चैट इनसे मिक्स हो गई थी, उनकी जांच हो रही है और जांच के बाद पुलिस बताएगी कि इस केस की बाकी जो बची सच्चाई है वो क्या है। लेकिन अब लोग, तमाम सारे लोग स्वाति मालीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, जो फेमिनिस्ट थे उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बॉयज पर भरोसा क्यों नहीं है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर और इंडिया न्यूज। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।